हाँ जी सत श्रीकाल सारिआं नूं। अज जो आपां फिजिक्स दा टॉपिक डिस्कस करन जा रहे हैं वह है क्रॉस प्रोडक्ट और वैक्टर प्रोडक्ट। ठीक है जी, हुण जिवें कि आपां लास्ट लैक्चर विच डिस्कस कीता सीगा डॉट प्रोडक्ट बारे, है ना। डॉट प्रोडक्ट की हुंदा, स्केलर प्रोडक्ट हुंदा। दैट मीनस अगर डॉट प्रोडक्ट करदे हो तुसीं दो वैक्टर दा, इट गिव्स यू ओनली अ मैगनीट्यूड। उहने की देना तुहानूं पहला मैगनीट्यूड, बट जिहड़ा क्रॉस प्रोडक्ट है इसने की है मैग्नीट्यूड के नाल की देना तुहानूं डायरेक्शन। ठीक है जी, क्लीयर है। चलो आपां पहला डिस्कस करते हैं अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इस विच की है जिवें डॉट प्रोडक्ट दे विच की सीगा, सपोज मेरे कोल दो वैक्टर, एक पी वैक्टर एक क्यू वैक्टर है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट दे विच की हुंदा सीगा, पी वैक्टर डॉट क्यू वैक्टर इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, सिंपल। ठीक है, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ देयर मैगनीट्यूड्स, ठीक है, एंड कोसाइन एंगल। इतने की हो जाएगा साइन एंगल। ठीक है, बट इस दे नाल साइन एंगल दे नाल नाल एक की आएगी इस विच डायरेक्शन। ठीक है, जो आप किवें फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, क्लीयर। हुण इधर ध्यान दो, क्रॉस प्रोडक्ट और वैक्टर प्रोडक्ट की है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वैक्टर्स, ठीक है, एंड साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। ठीक है जी, साइन एंगल, साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम एंड एक्ट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वैक्टर्स। ठीक है जी, इसकी डायरेक्शन किवें फाइंड आउट आप करांगे। ठीक है, इस वक्त तुसीं ध्यान देना। ठीक है, सब तो पहला प्लेन कंटेनिंग का मतलब की हो गया, प्लेन कंटेनिंग का मतलब की हो गया, सपोज आहे को वाई है, की है वाई, आ किस दे अलोंग है गया एक्स दे अलोंग, पी वैक्टर तुहाडा वाई दे अलोंग है, क्यू वैक्टर किस दे अलोंग है एक्स दे अलोंग। ठीक है, तुसीं एंगल तुहाडा कित्थों तों कित्थों मूव कर रहे हो, पी वैक्टर टू क्यू वैक्टर। ठीक है, हुण जिहड़ा अगर मान लो पी वैक्टर तुहाडा वाई दे अलोंग है, क्यू वैक्टर तुहाडा एक्स दे अलोंग है, दैन जिहड़ा रिजल्टेंट होगा किस दे अलोंग होगा, अलोंग जैड, अलोंग जैड। ठीक है जी, क्लीयर। आपां नूं पता अपने कोल तीन एक्सिस होंदी है, एक होगी एक्स, एक होंदी है वाई, ते एक की होंदी है जैड। जिवें मान लो कोई भी अपना रूम हैगा है, ठीक है, जो रूम का निचली साइड होगी मान लो एक एक्स होगी, एक की होगी वाई, जो उसकी हाइट वाली एक्सिस होगी 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 जैड। ठीक है, हुण जिहड़ा इस तो बाद है इसकी पी वैक्टर क्रॉस क्यू वैक्टर की होगा पी क्यू साइन थीटा इन टू एन कैप। एन कैप की है जो इसका रिजल्टेंट की डायरेक्शन दसता है। ठीक है जी, हुण इतों आ चीज तुहाडा की मतलब पी क्यू साइन थीटा आ के की है, एक हिसाब का मैगनीट्यूड है, डॉट एन कैप की है डायरेक्शन। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਕਲੀਅਰ। ਆਹ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਲ ਆਫ ਫਿੰਗਰਸ, ਕਰਲ ਆਫ ਫਿੰਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਫਿੰਗਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਫਿੰਗਰਸ ਹੈ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਫਿੰਗਰਸ ਰੋਟੇਟ ਹੋਣੀਆਂ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਐਂਗਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਐਂਗਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੂਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਫਿੰਗਰਸ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਐਂਗਲ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਥੰਬ ਕੀ ਦੇਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਂਗਲ ਦੇਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਲਿਆ ਫਿੰਗਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਂਗਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀ ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕ੍ਰੋਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿਊ ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੀ ਤੋਂ ਕਿਊ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਂਟੀ ਕਲੋਕ ਵਾਈਜ, ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕ ਵਾਈਜ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕ ਵਾਈਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਪੁੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ।
जिवें हुण अगर मैं इस साइड खड़ा है जो मेरी वॉच है वो इस साइड मूव करती है बट इहदे विच अपना की है इस साइड एंगल मूव कर रहा है इधर ध्यान दो ठीक है हुण आ ले जिहड़े मेरे कोले अगर मैं अपने फिंगर्स नूं इस साइड मूव करवा रहा हां इधर इधर ध्यान दो अगर मैं अपनी फिंगर्स नूं इस साइड मूव कर रहा हां ठीक है जी आ केड़ी डायरेक्शन दे विच मूव हो रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज ठीक है देन जो तुहाडे कोल रिजल्टेंट है किधर हो गया अपवर्ड क्लियर है ठीक है मतलब अगर तुहाडा वेक्टर है सपोज जिवें मान लो मेरे कोल आ बुक है अगर मेरे दो वेक्टर है P ते Q ठीक है सपोज मेरे कोल एक P वेक्टर इस साइड है Q वेक्टर इस साइड है ठीक है इस आ प्लेन कंटेनिंग लिखा है ना परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर का मतलब की है P ते Q दे दोनों दे की होएगा परपेंडिकुलर जिवें आपां हुणे गल कीती एक एक्स वाई जेड डायरेक्शन हुंदी है जिहड़ी जेड डायरेक्शन है वो एक्स दे भी परपेंडिकुलर है एंड वाई दे भी परपेंडिकुलर है समझ लगी गल इस विच जिहड़ी आपां डायरेक्शन है उस नूं आपां किवें फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल राइट हैंड स्क्रू रूल ठीक है जी एक राइट हैंड थंब रूल क्लियर हुण देखो मैं की लिखा है इफ कर्ल ऑफ फिंगर्स ऑफ राइट हैंड गिव्स द डायरेक्शन फ्रॉम पी वेक्टर टू क्यू वेक्टर मेरे जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है जो हम मेरा पी वेक्टर इस साइड तो आगे जा रहा है मतलब इधर नु जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज आ कर्ल ऑफ फिंगर्स मतलब मेरे जो फिंगर्स मुड़नगे ठीक है आ केवे मुड़ रही है पी वेक्टर टू क्यू वेक्टर देन थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर क्लियर हुण जे मान लो मैं इहदे विच डायरेक्शन ऑपोजिट कर देंदा ठीक है मान लो अगर मैं कहता कि मेरा इधर पी है इस साइड क्यू है फिर इधर आपका जिहड़ा राइट हैंड है उसनों देखना है उपरों देख जिवें हुण अगर मेरी फिंगर्स इस साइड मुड़नगियां इहदा मतलब आ की है एंगल की जा रहा है क्लॉकवाइज ठीक है घड़ी भी एवं चलती है जिमें ठीक है एंगल की है इस साइड जिमें हम आ मेरे आ क्लॉकवाइज ठीक है जो हम अगर मान लो जो अपना डायग्राम बनाई हुई है अगर मैं इतने पी वैक्टर लिखता इतने क्यू वैक्टर लिखता दैन थीटा किधर हो जाएगा पी वैक्टर टू क्यू वैक्टर ठीक है फिर इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी डाउनवर्ड ठीक है हूँ किधर न आप समझ लगी गल क्लियर है ठीक है इस दी अपर डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल जो आ लिखा हुआ और बाय यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल स्क्रू रूल का मतलब ये मान लो कि मेरे को स्क्रू है मैं स्क्रू नु टाइट करना है ठीक है मैं टाइप कि करूंगा मैं जाना पी तो क्यू आ पी है इधर की है क्यू मैं स्क्रू उवें रखा कि मैं इसमें टाइट करना है फिर पी तो क्यू पी तो क्यू मान लो मेरे को स्क्रू है इनकी टिप है टिप ऑफ स्क्रू की शो करेगी डायरेक्शन ऑफ पी वैक्टर क्रॉस क्यू ठीक है क्लियर है आप जो आप मेन देखना है एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜੇ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਅਪਵਰਡ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਕਰੂ ਰੂਲ ਕਲੀਅਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ स्पेशल केस फर्स्ट है ठीक है इफ लिखो इफ बोथ वेक्टर आर पैरेलल
टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर का मतलब क्या हो गया, योर थीटा बिकम जीरो, ठीक है। सपोज मेरे को दो वेक्टर है, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर है, पी क्यू साइन जीरो इनटू एन कैप, अपन को पता साइन जीरो कितना होता है, जीरो, साइन जीरो कितना होता है, जीरो, सो आंसर क्या आएगा, जीरो। एक तो अपन की पता लग गया, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन च है उनका क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज की होएगा जीरो, दैट मीन्स जो हम आई कैप क्रॉस आई कैप आगे हो जाएगा जीरो, जे कैप क्रॉस जे कैप की हो जाएगा जीरो, के कैप क्रॉस के कैप की हो जाएगा जीरो। डॉट प्रोडक्ट जो आई वन होता सीगा क्योंकि उत्थे कॉस होता सीगा, कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है, समझ लगी गल। सेकंड केस की है, इफ बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर मीन्स यूर थीटा बिकम 90, थीटा बिकम 90, P vector cross Q vector, P Q sin 90 into n cap, n cap is किस लिए है, direction दस लिए, sin 90 कितना हो गया 1, so answer कितना गया, P Q into n cap, clear है, n cap का मतलब क्या हो गया, अब दोनों देखी होएगा perpendicular, जेड़ा resultant होएगा, resultant दोनों देखी होएगा perpendicular, ठीक है। हुण सब तो पहले इधर थोड़ा इधर ध्यान दो, मान लो एक मेरे को आई कैप है, एक मेरे को की है जे कैप, आई कैप मान लो एक्स दे अलोंग है, जे कैप किस दे अलोंग है, वाई दे, एंगल इस साइड चला गया, ठीक है। अगेन इसका जो रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन से होगा, दोनों का परपेंडिकुलर, जे एक्स दे अलोंग है वाई दे अलोंग है, एंगल रिजल्टेंट किधर नु आ जाएगा, अलोंग Z फोगी हो जाएगा A, ठीक है। ओमे जो हम I वेक्टर क्रॉस J, जो I कैप क्रॉस J कैप, इस दा आंसर क्या आएगा, A कैप, क्लियर है। I कैप क्रॉस J कैप इस दा आंसर क्या आएगा, K कैप, क्योंकि यार देखो आ 90 हो गया, अब पर यूनिट वेक्टर है, इतने मैं सॉल्व कर देना दोनों, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, आई का भी मैग्नीट्यूड, जे का भी मैग्नीट्यूड, साइन 90 वो भी कितना हो गया 1, इनटू एन कैप की होता है, जेड़ा दोनों देखी होवे परपेंडिकुलर, अगर आई कैप है जे कैप है परपेंडिकुलर की बन जाना इनका के कैप, सो आंसर क्या आएगा तुम्हारे बोले के कैप, ठीक है जी। हुण जे तुसी जे कैप क्रॉस के कैप कर दो तो आंसर क्या आएगा, आई कैप, ठीक है। तो जे तुसी के कैप क्रॉस आई कैप कर दो फिर आंसर क्या आएगा, जे कैप, क्लियर है। हुण इधर ध्यान दो, जो हम आई क्रॉस जे कीता सी आंसर क्या आ गया, के, I क्रॉस J कितना आंसर किया गया कि, अगर मैं उल्ट करना J क्रॉस I करना, हुन मैं इथे की कह सके कि I क्रॉस J करता तो आंसर आ गया K कैप ऊपर नु, ते मैं जे J क्रॉस I करूंगा डाउनवर्ड चला गया, जे मान लो पॉजिटिव Z डायरेक्शन है निचली की होगी माइनस Z, नहीं ठीक है, सो इथे क्या आएगा माइनस K कैप, ठीक है। जे मैं इन्हें उल्टा लांगा तो माइनस आ जाएगा, जो हम J क्रॉस K की आई है तो K क्रॉस J की हो जाएगा माइनस आई, K क्रॉस I J है तो I क्रॉस K की आ जाएगा माइनस J, ठीक है जी। नोट डाउन करो जल्दी,
नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जो नेक्स्ट टॉपिक अलाउड है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जिमें आप डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज सीखे से होने की अपने को क्रॉस प्रोडक्ट की। क्लियर है रब करता नहीं सर। प्रॉपर्टीज फर्स्ट लिखो क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ऑबे कम्यूटेटिव लॉ। क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव का मतलब की होता है? कम्यूटेटिव लॉ पी वैक्टर क्रॉस क्यू वैक्टर, जिम्मे पढ़ा डॉट प्रोडक्ट पी डॉट क्यू पी वैक्टर डॉट क्यू वैक्टर इक्वल टू की होता है क्यू वैक्टर डॉट पी वैक्टर। जे आप इस अगे पिछे कर देंगे आ इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इन जो डायरेक्शन है बदल जाएगी। जो पी वैक्टर क्रॉस क्यू वैक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड है तो क्यू वैक्टर क्रॉस पी वैक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड। वैक्टर फॉर्म के विच की होंगे जो डायरेक्शन बदल गई, चाहे मैगनीट्यूड सेम है डायरेक्शन बदल गई, ठीक है जी, तो वैक्टर ने बदल जाना है। क्लीयर। सैकेंडली सेकेंड पॉइंट लिखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज जीरो। दैट मींस पैरेलल का मतलब क्या होगा? थीटा बिकम जीरो जीरो। अगर थीटा बिकम जीरो हो गया पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर पी क्यू साइन जीरो जीरो का आंसर क्या आएगा? जीरो। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ। इज ऑल्सो जीरो। क्यों? पी वैक्टर क्रॉस मान लो पी वैक्टर है, जे दो वैक्टर का प्रोडक्ट ले रहे हैं इन्हें मतलब दोनों की डायरेक्शन की होगी सेम। डायरेक्शन की होगी है सेम। जे डायरेक्शन सेम होगी दैट मीन्स एंगल कितना हो गया? जीरो। साइन जीरो जीरो पहले वाले होंगे, ठीक है जी। अगे लिखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज मैक्सिमम। इस केस में थीटा कितना हो जाएगा जी? थोड़े को इज मैक्सिमम, ठीक है। थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। देन पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर पी क्यू साइन
90 into n cap sin 91 होता, so p q into n cap, clear है? कैसे maximum ना? Maximum ना मतलब है देखो minimum केटो कदो होगा, जदो की होंगे पहले zero हो गया, ठीक है? Maximum कदो होगा, जदो की हो जाएंगे 90. ठीक है, आगे लिखो जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल. ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब की होता है, इधर ध्यान दो, मैग्नीट्यूड का मतलब की है, तुसी डायरेक्शन का तुहानू कोई मतलब नहीं का, मैग्नीट्यूड जो मान लो पी वैक्टर क्रॉस क्यू वैक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? पी क्यू. ठीक है, पी क्यू साइन थीटा, एंगल तो उन्ना ही रहेगा ना. ठीक है, जो मान लो मैं कहना दोनों के बीच में एंगल 45 है, जो मैं क्यू क्रॉस पी कर दूंगा तो भी एंगल कितना रहेगा? 45 इनटू एन कैप नाल किस लिए लाने अपन डायरेक्शन. डायरेक्शन अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, डायरेक्शन को हटा दूंगा, डायरेक्शन ही चेंज हो रही है ना, बेसिकली वैल्यू तो सेम ही रह रही है. जे p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर अपवर्ड है तो q वेक्टर क्रॉस p वेक्टर किधर नु हो जाएगा? डाउनवर्ड. अगर आप डायरेक्शन ही हटा दिए, कल्ले आप किसे ते काम करते पे मैग्नीट्यूड ते, देन दोनों दा मैग्नीट्यूड की रहेगा इक्वल. मैग्नीट्यूड नु लिखदे हुंदे आ मोड दे विच एवें करके. ठीक है, अब दोनों की है इक्वल, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की होंगे जोड़ा वो अपना ब्रैकेट वाला काम करते थे, जिम्मे पी वैक्टर क्रॉस की है क्यू वैक्टर प्लस आर. ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਸ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਖੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਪੀ ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰੋਸ ਪਲੱਸ ਪੀ ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰੋਸ, ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ सेवेंथ पॉइंट हुई है, जो आई क्रॉस आई की है जीरो, जे क्रॉस जे की है, के क्रॉस के की है, आई क्रॉस जे की है, आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, के क्या जे क्रॉस के क्रॉस की है, ते के क्रॉस. ठीक है, अगर इसको रिवर्स कर दो तो माइनस लगा दे. ठीक है जी, देन एट पॉइंट, हुण क्रॉस प्रोडक्ट दो वैक्टर अगर आपां नूं दित्ते हुए, क्रॉस प्रोडक्ट नूं आपां किवें कैलकुलेट करना है उस बारे देखिया जाए, ध्यान दिया जाए. डिटरमीनेंट आपां कीता हुआ है, ठीक है? इस तों बाद आपां इक क्वेश्चन सोल्व करांगे डिटरमीनेंट दे, जिवें आपां क्रॉस प्रोडक्ट नूं किवें सोल्व करना. ठीक, मान लो पी वैक्टर है मेरे कोल, px into i cap, py into j cap, pz into k cap. q वेक्टर है, qx आ जिहड़ा मैं x y लिख रहा ना, आ उनके पैर दे विच है, qz into k cap. p वेक्टर क्रॉस
डिटरमिनेंट आई जे के, आई जे के हूँ आई का कोफिशिएंट की है पी एक्स से, इसलिए की है पी वाई से, पी जेड एंड जिम्मे आप डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं आप इस सोल्व कर, ठीक है इस नोट डाउन करो, नैक्सट आप इसका क्वेश्चन करते हैं तो होर भी क्लीयर हो जाएगा। हरी अब चले नोट अप नीचे जो नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू फोर आई कैप प्लस फाइव जे कैप, उत्ते एक ध्यान देना के कैप नहीं है। एग्जाम्पल इतने देखो आई जे के है, इतने कला आई ते जे है, के नहीं है, जेड़ा मान नहीं होगा उनकी जगह आप ला लेना जीरो, ला लेना जीरो, ठीक है जी। हम देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना, ठीक है इधर ध्यान आई कैप जी कैप के कैप, इधर क्या देगा वन माइनस टू थ्री फोर फाइव, अगर के नहीं हैगा उनके बीच तो अंदर क्या देगा जीरो, ठीक है जी। जब आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं ओवें आई कैप, आई कैप जेड़ा नीचे है साइड से छड़ दो की रह जा माइनस टू फाइव थ्री जीरो, डिटरमिनेंट जो आप जो सैकेंड एलीमेंट लेने वो कि लेने होंगे नैगेटिव, जे अपने को इतने हमेशा पॉजिटिव ही होना है आप ला लेना माइनस जे, जे के नीचे वाले साइड से छड़ दो की रहेगा वन फोर थ्री जीरो प्लस के कैप, इस दे नीचे आ छड़ दो वन फोर माइनस टू मल्टीप्लाई करो आई कैप टू इंटू माइनस टू इंटू जीरो जीरो नाल दी नाल की लगा देनी है माइनस फाइव इंटू थ्री माइनस जे कैप ओमेगा ओमे वन इंटू जीरो जीरो नाल दी नाल की लगा देनी है माइनस फोर इंटू थ्री ट्वेल्व प्लस के कैप वन इंटू फाइव फाइव नाल दी नाल की लगा देनी है माइनस, हम दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करो फोर इंटू माइनस टू माइनस एट जीरो माइनस फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन आई, ठीक है क्लियर। माइनस ट्वेल्व इंटू माइनस जे माइनस माइनस की हो गया प्लस, क्योंकि माइनस ऑलरेडी बाहर भी है, इधर किया फाइव माइनस माइनस की हो गया प्लस
फाइव प्लस एट कितना हो गया 13 सो इट्स आंसर इज माइनस 15 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 13 ए कैप आ एक नवा वैक्टर आ गया थोड़े को ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर उसको मैं की नाम दे देना सी वैक्टर ठीक है वैक्टर क्यों बोल रहे हैं अपन क्योंकि इन आई कैप जे कैप से के कैप आ गया इन जो अपन डायरेक्शन दे रहे हैं क्लीयर अगर मान लो मैनू कहन कि सी वैक्टर का मैगनीट्यूड फाइंड आउट करो मैगनीट्यूड किवें फाइंड आउट करेंगे अंडर रूट आई कैप दे जेड़ा कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर फिर 12 का स्क्वायर फिर 13 प्लस इस नु कैलकुलेट कर लो तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा ठीक है अगर तुम कहें कि यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करो सी कैप फिर वो क्या आ जाएगा सी वेक्टर डिवाइड बाय सी वेक्टर मैग्नीट्यूड सी वेक्टर तुम कैलकुलेट कर ले इस नु इससे डिवाइड कर दोगे वो क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यूनिट मैग्नीट्यूड जेड़ा यूनिट वेक्टर होता उसका मैग्नीट्यूड 1 होएगा बट वो अपन को देगा डायरेक्शन ये हमें ही सॉल्व करना है कल्ला 1 नहीं लिख लेना यूनिट वेक्टर मान लो आप कोई सी इथे तो डबल मैग्नीट्यूड दी वैल्यू आएगी ना डिवाइड कर देना ठीक है जी थैंक यू जी आज के